इसके बाद कहा थोड़ा सा मंत्र बोल दो मेरे पितृ पार हो जाएं। राव लक्ष्मण जी ने मंत्र बोला, केवट के पितरों को पार किया और पार करने के बाद भगवान को नौका में बैठाया और जैसे प्रभु नौका में बैठे, आहा, बार बार तोह का समझाए मानो बात हमार, ओ केवट भैया ले चलो नदिया के पार, ओ केवट भैया ले चलो नदिया के पार, ओ केवट भैया ले चलो नदिया के पार। नौका चल रही है और केवट ने क्या किया, पतवार फेंक दिया। राम जी ने कहा केवट पतवार क्यों फेंक दिया, कहा सरकार आगे कलयुग आएगा, लड़ाई हो जाएगी, दुनिया वाले कहेंगे राम जी कौन बहुत बड़े थे, अगर केवट ना होता तो पार नहीं उतर पाते, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बिरादरी में कलेश हो जाएगा। तो कहा तब, कहा सरकार पतवार फेंक रहा हूँ, नाव हमारी, बैठे हैं आप, और अगर आज नाव मेरी पार हो गई तो मेरे छोटे छोटे जितने परिवार हैं ये कहेंगे कितनी टूटी फूटी नाव हो, अगर राम के भरोसे वह सागर में छोड़ दो तो पार हो ही जाती है। बोले श्री सीताराम भगवान की जय, बार बार तो बार तुम क्या समझाओ मानो बात हमारे, ओ केवट भैया ले चलो, ले चलो नदिया के पार, ओ केवट भैया ले चलो नदिया के पार, उतर साड़ी भय सुर शरीर राम लखन सिय दोह समेता, राम लखन सिय दोह समेता, केवट उतरि दंडवत दीना, केवट उतरि दंडवत दीना, प्रभु सकुचय है कछु नहीं दीना, प्रभु सकुचय है कछु नहीं दीना। और तब सीता जी पिए सिए की हिय जान निहारी, अमन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने मुद्रिका उतारा, ये वही मुद्रिका थी। एक बार कौशल्या ने कहा बिटिया मुद्रिका उतार दो, सीता जी ने कहा मां मुद्रिका उतारूंगी मेरा प्राण उतर जाएगा, लेकिन पति का सम्मान बचाना है ना, मुद्रिका निकाल दिया, राम जी को दे दिया। राम जी से कहा आप दे दीजिए, केवट ने हाथ जोड़ा, प्रभु आप काहे नियम बिगाड़ते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम मन के। भगवान ने कहा क्यों, मल्ला है कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेता है भैया, मल्ला है कहीं मल्ला मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेता है भैया, और धोबी कहीं धोबी से फुलवा लेता है भैया, नाई लेत धोबी से न धोबी लेत, देखे उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी, देखे उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी, और मैं प्रभु के घाट आया, प्रभु मेरे घाट आए, मैंने प्रभु को पार किया, आओ प्रभु घाट मोहि पार उतारी, आओ प्रभु घाट मोहि पार उतारी, प्रभु घाट मोहि पार उतारी, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा
मिटा दो दुख दार नाथ आज में मिटा दो दुख दार। आज मुझे क्या नहीं मिला, मेरा दोष मिट गया, मेरा दुख मिट गया, मेरी दरिद्रता मिट गई। और प्रभु आप अगर देना चाहते हैं तो अपना धन दीजिए। इसी के उपाय के बाद कथा विश्राम होगा। राम जी बोले मेरा धन क्या है, कहा सरकार ये जो मन मुदरी है ये मड़ी महाराज दशरथ जी ने सीता जी को दिया था और मुद्रिका सुनैना जी ने दिया था। तो ना मड़ी आपका है और ना मुद्रिका आपका है। तो कहा तब क्या है, कहा आपका दहिना चरण लक्ष्मण का है और बायां चरण सीता जी का है, तो हमको यही चरण दे दीजिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। केवट कहे चरण अबुलाई, रामचित मानस अयोध्या कांड 102 दोहा चौथी चौपाई बाबा जी लिखते हैं। केवट ने चरण पकड़ लिया और जब चरण पकड़ लिया कहा प्रभु जब लौट करके आना, फिर तिवारी प्रभु जो कछु देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौट समय जो दे दोगे स्वीकार कर लूंगा। और ऐसा कह करके केवट भगवान के चरण में लेट गया। राम जी ने कहा केवट मैं तुझे वो दूंगा जो कोई नहीं दे पाया। और प्यारे त्रेतापी तात्वा पर आया श्री राम वही घनश्याम हुए। त्रेता बीता द्वापर आया श्री राम वही घनश्याम हुए। त्रेता युग में जो केवट थे द्वापर वही सुदाम हुए। त्रेता युग में जो त्रेता युग में पांव धुलाया राम जी ने और द्वापर में सुदामा बना करके राम जी ने केवट का पांव धोया। राम जी किसी का उधार नहीं रखते। क्यों, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सीताराम भगवान की जय हो। तो आज की कथा कुछ अच्छी लगी, बोले अच्छी लगी। तो कल एक दिन की बात है।